उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एंटी रोमियो मुहिम चलाकर लड़कियों की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूपी में मनचलों को कानून का डर है ही नहीं। देखिए हरदोई में क्या हुआ। सड़क पर खुलेआम छेड़खानी और उसके बाद गुंडागर्दी की तस्वीरें योगी सरकार पर एक सवालिया निशान है। जहां एक शोहदे ने न सिर्फ लड़की के साथ छेड़छाड़ की बल्कि विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हरदोई की हैं। देखिए ये लड़की अपने दोस्त के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट से लौट रही है, तभी सड़क के किनारे चबूतरे पर सफेद रंग की शर्ट पहनकर बैठे इस मनचले ने उस पर अश्लील कमेंट किया। लड़की ने पलटकर कुछ जवाब दिया तो ये मनचला उठकर उसके पास पहुँच जाता है और फिर कमेंट करता है। लड़की कुछ जवाब देकर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए भी ये मनचला फप्ती कसता है। इसके बाद लड़की अपने दोस्त के साथ रुक जाती है, मनचले के साथ उसकी बहस होती है और इसी दौरान मनचला लड़की को पीटना शुरू कर देता है। लड़की के दोस्त ने जब विरोध किया तो ये मनचला उससे भी उलझ गया और दोनों को मारने पीटने लगा। मैंने पूछा कि भैया किस पर कमेंट कर रहे थे, मुझसे आकार दिखाने लगा, बोल रहा है मैंने तुम पे कमेंट नहीं किया, उसके बाद ये मुझे मैंने थप्पड़ मारा, मेरा हाल रह दिया। पास में खड़े एक शख्स ने बीच बचाव कर इस मनचले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गुंडागर्दी यही खत्म नहीं हुई। देखिए ये मनचला इस बूथ के ऊपर रखा डंडा उठाकर ले जाता है और लड़की को मारने के लिए धमकाता है। लड़की अपने दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने किसी रिश्तेदार के साथ उसी जगह पर वापस आती है, लेकिन इस मनचले की हिम्मत देखिए, वो हाथ में डंडा लेकर दबंगई दिखाता है। खुलेआम छेड़छाड़ और गुंडागर्दी को रोकने के लिए सड़क पर पुलिस नहीं थी, लेकिन हैरत की बात है जब इसकी शिकायत थाने में की गई तो पुलिस ने इस मनचले पर हल्की धारा लगाकर इसे जमानत पर छोड़ दिया। लड़की ने शिकायत की थी कोतवाली में लड़की से, लेकिन उसने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। लड़की की शिकायत पर लड़के के खिलाफ 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई थी। अब हरदोई पुलिस की इस दलील पर योगी सरकार क्या कहेगी, जो एंटी रोमियो मुहिम चलाकर यूपी में लड़कियों को महफूज करने का दावा करती है, लेकिन यहाँ छेड़खानी और गुंडागर्दी का सबूत सामने होने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।